लोकसभा चुनाव की आचार संहिता हटने के बाद प्रदेश के मंत्री पूरी तरह से सक्रिय नजर आए। समाज कल्याण विभाग के मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल लगातार विभाग की बैठक कर रहे हैं और साथ ही योजनाओं की समीक्षा करते नजर आए। और इसी कड़ी में मंत्री मेघवाल ने सचिवालय में विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने पेंशन, पनाधाय, पालनहार, नशा मुक्ति, सहयोग और साथ ही संबल गांव और आदर्श ग्राम सहित सभी योजनाओं का फीडबैक लिया और साथ ही योजनाओं के सरलीकरण के खास निर्देश दिए गए। इस मौके पर मंत्री मेघवाल ने कहा कि योजनाओं में आम आदमी को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए विभाग जल्द इन योजनाओं का सरलीकरण करेगा। देखिए कि पिछले दो तीन साल के पीरियड में या पिछले पाँच साल के पीरियड में इस विभाग के अंदर हमारी जो योजनाएं थी उस योजना में कुछ व्यवहारिक कठिनाइयां थी। पेंशन के संबंध में पेंशन बड़ी मुश्किल मिलती थी, स्वीकृतियां बहुत मुश्किल से निकलती थी, बीच बीच के अंदर अवरोध पैदा हो जाते थे। उसका सरलीकरण हमने करने की बात तय कर दी और सरलीकरण कर दिया। छात्रवृत्ति का जो मैटर था, आपको जानकारी होनी चाहिए कि बार बार अखबारों में आता था कि इतनी छात्रवृत्ति पेंडिंग है, इतनी पेंडिंग है, इतनी पेंडिंग है। तो हमने जब से ये काम मेरे हाथ में लिया है लगातार इसकी मॉनिटरिंग हो रही है। पिछले समय के सारे छात्रवृत्तियाँ आने वाले 30 जून तक हम शायद राजस्थान के अंदर हम पेंडेंसी खत्म कर देंगे। उसके अलावा राजस्थान के अंदर हमारी जितनी भी योजनाएं हैं, जैसे पालनहार योजना है, हमारी दूसरी नशा मुक्ति की योजनाएं हैं, तो उनका कुछ क्या है कि अधिकारियों द्वारा उसके अंदर जो कठिनाई पैदा हो रही थी उसको सरलीकरण नहीं कर रहे थे। तो मैंने ये तय कर दिया कि आप इसको सबको सरलीकरण करें और आने वाले समय के अंदर 30 जून तक सब सरलीकरण करके इस काम को पेंडेंसी सारी में